कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। कांग्रेस का कहना है कि राहुल की यात्रा भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति के विरोध में देश को एकजुट करने के लिए है। इसी क्रम में भाजपा और संघ को घेरने की कोशिश में कांग्रेस ने कुछ ऐसा कर दिया जिस पर बवाल मच गया है। दरअसल हुआ ये कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर साझा की गई, जिसमें दिखाया गया कि खाकी रंग के एक हाफ पैंट में आग लगी हुई है। इस तस्वीर के साथ पार्टी ने कैप्शन में लिखा कि देश को नफरत की बेड़ियों से मुक्त करना है और भाजपा आरएसएस द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करना है। इसके बाद तो हंगामा ही मच गया। कांग्रेस द्वारा साझा की गई आग लगी तस्वीर से सोशल मीडिया पर आग लग गई। ऐसे मामलों में आमतौर पर चुप रहने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी लड़ाई में कूद गया, और कूदता भी क्यों नहीं, आखिर हमला भी तो सीधे सीधे संघ पर ही हुआ था। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने सीधे राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके बाप दादा ने संघ का बहुत तिरस्कार किया और अपनी पूरी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयास किया, मगर संघ रुका नहीं, संघ लगातार बढ़ रहा है। ऐसा है कि एक तो हेट्रेड से आप जोड़ना चाहते हैं क्या? हेट्रेड वो पाल रखे हैं बहुत पहले से, और उनके बाप दादा ने भी संघ का बहुत तिरस्कार किया, अपनी सारी ताकत के साथ संघ को रोकने का प्रयत्न किया, दो दो बार भी बिना कारण प्रतिबंध लादे गए, संघ रुका नहीं है, लगातार बढ़ते रहा है। संघ क्यों बढ़ रहा है? तो संघ के पास सत्य सिद्धांत है, सिद्धांतों लेकर जीवन भर चलने वाले व्रतस्थ ऐसे कार्यकर्ताओं की पीढ़ी उसके लिए आवश्यक त्याग परिश्रम बलिदान करने वाले लोग तैयार होते रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक हाफ पैंट की तस्वीर से इतना हंगामा क्यों मचा है। दरअसल कुछ समय पहले तक खाकी रंग का हाफ पैंट राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गणवेश यानी यूनिफॉर्म का अहम हिस्सा हुआ करता था। साल 2016 में संघ ने अपनी ड्रेस बदलने का फैसला लिया और खाकी हाफ पैंट की जगह भूरे फुल पैंट को अपने गणवेश में शामिल किया। संघ का मानना था कि हाफ पैंट की जगह फुल पैंट को आधिकारिक गणवेश बनाने से युवाओं को संगठन से जुड़ना आसान हो जाएगा। संघ ने अपनी ड्रेस भले ही साल 2016 में ही बदल दी हो, लेकिन अब भी कांग्रेस सहित तमाम पार्टियां और संगठन आरएसएस के प्रतीक के रूप में खाकी हाफ पैंट का ही इस्तेमाल करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी इस ट्वीट पर कांग्रेस पर हमला बोला। सुनिए संबित पात्रा ने क्या कहा। इस प्रकार से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के नाम में नफरत फैला रहे हैं, आज उसका खुलासा भारतीय जनता पार्टी यहां से करेगी। आप सब ने देखा है कि आज सुबह कांग्रेस पार्टी ने ये ट्वीट किया है। दिस वॉज ट्वीटेड बाय द कांग्रेस पार्टी टुडे मॉर्निंग फॉर देयर भारत जोड़ो यात्रा। द पिक्चर दैट हैज बीन शोन इन दिस ट्वीट इज दिस। यह तस्वीर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। दिस इज नथिंग बट इंस्टिगेटिंग पीपल फॉर वायलेंस। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप सभी जानते हैं कि ये जो तथाकथित इनकी भारत जोड़ो रैली है, यह अभी केरल में है। केरल में किस प्रकार से जो संघ के कार्यकर्ता हैं उनकी कितनी हत्याएं हुई हैं, इस विषय में आप जानते हैं। आपको पता है कि किलिंग फील्ड्स ऑफ केरला के नाम से संघ के कार्यकर्ताओं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, एक विचारधारा के, एक विचार परिवार की कार्यकर्ताओं की हत्याएं हुई हैं और होती रही हैं। इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके एक षड्यंत्र के अंतर्गत राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है वहां के आतंकवादियों को कि आप जो संघ के कार्यकर्ता हैं, जो भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, दोज हु आर एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी, दे शुड बी किल्ड, दे शुड बी एलिमिनेटेड, दे हैव नो प्लेस
in the politics of Kerala. This is blatant instigation of violence, Mr. Rahul Gandhi. ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है. And this is not for the first time that the Congress party has done so. ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का कोई फोटो ट्वीट किया हो या इस प्रकार के विचार को फ्लोट किया हो.